नाउ नेक्स्ट इस सेशन में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा व्हाई वी शुड सप्लाई एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट लिस्ट, और जस्ट किसी भी एरे को फंक्शन में सप्लाई करने का मेन पर्पज क्या है, जस्ट इसका क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सिंपल एग्जाम्पल यूज किया है। इसे एग्जाम्पल के केसेस में टोटल मैंने 3 एरे डिफाइन किए, कॉन्सेंट्रेट गिवन एग्जाम्पल। टोटल इस एग्जाम्पल के अंदर एरे कितने, 3 एरे, और 3 डिफरेंट डिफरेंट एरे को क्रिएट करने का पर्पज क्या था मेरा, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एरे में मुझे स्टोर क्या कराना है, फी इन्फॉर्मेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स। सपोज अगर स्टूडेंट से रिलेटेड मुझे फीस इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना था, इसके इसमें टोटल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एकेडमी के अंदर अगर ओनली 10 स्टूडेंट्स हैं, उसके इसमें एरे साइज क्या यूज किया, एग्जैक्टली 10। सेम एज किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड अगर मुझे एम्प्लॉई का सैलरी इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना, तो सैलरी अगर मैं इंटीजर्स के फॉर्म में मैनेज कर रहा हूँ, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 एम्प्लॉई है, देन इस केस में सैलरी एरे का साइज क्या है, 100। इस केस में वेरिएबल सैलरी क्या है, एरे नेम। सेम एज अगर किसी बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपको कस्टमर से रिलेटेड बैलेंस डिटेल्स स्टोर करना, देन अगेन एक से ज्यादा कस्टमर पहुंचने, इसलिए उसके इसमें अगेन बैलेंस को इन्फॉर्मेशन करने स्टोर कराने के लिए मैं यूज क्या करूँ, ऑल्सो एरे। इस फाइनली टोटल 3 डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और 3 डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज क्या करेंगे, इसके इसमें अगेन एरे। तो टोटल कितने एरे क्रिएट हुए, 3 एरे, क्लियर। नेक्स्ट वन, सपोजेड इन 3 एरे के रिस्पेक्ट में एरे के सभी एलिमेंट के लिए मुझे कीबोर्ड से डेटा रीड करना, मीन्स यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन। तो इस केस में जस्ट फर्स्ट लॉजिक में आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, मीन्स जस्ट मैंने सिंपल बेसिक मैसेज प्रोवाइड किया है फर्स्ट एरे के केस में। एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ आई, फर्स्ट लूप के थ्रू जस्ट रीड क्या हो रहा है, स्टूडेंट फी डेटा, मीन्स इससे टोटल 10 स्टूडेंट्स का फी इन्फॉर्मेशन रीड करोगे, क्लियर। नेक्स्ट वन, सेम है जब सैलरी इन्फॉर्मेशन रीड करना, देन डेटा किस लिए रीड करेंगे, सैलरी एरे। देन अगेन आपको फिर से लूप यूज करना है, इसके इसमें लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, मीन्स इसके अंदर एरे के अंदर सैलरी एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 100। अगर आपको 100 एलिमेंट्स के लिए डेटा रीड करना, देन अगेन लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करा हुआ, 100 टाइम्स। देन डेटा किस लिए रीड हो रहा है एवरी टाइम, सैलरी एरे, और एलिमेंट टू द सैलरी एरे। सेम एज बैलेंस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए अगेन आपने यूज़ किया सेम लूप। अगर इस केस में आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मीस इन 3 लॉजिक्स के अंदर, मीस ये लॉजिक्स कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम लॉजिक्स, मीस कहीं भी कोई चेंजेज हैं क्या, नहीं, ओनली सिंगल प्लेसेस पर चेंजेज, ओनली साइज के रिस्पेक्ट में, बाकी रिमेनिंग सभी प्लेसेस पर लॉजिक्स कैसे हैं, एवरी टाइम एग्जैक्टली सेम। प्लस एरे नेम्स कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, क्लियर। अभी इस केस में तो ओनली मैंने 3 एरे यूज किए, बट सपोजेड सेम केस में प्रोजेक्ट लेवल पर अगर आपके पास इस टाइप के 100 डिफरेंट डिफरेंट एरे हैं, और 100 डिफरेंट डिफरेंट एरे के लिए सेम लॉजिक्स आपको रिक्वायर्ड, मीन से लॉजिक कैसे, कॉमन लॉजिक्स फॉर ऑल एरे, क्लियर। अगर मुझे 3 एरे के लिए एलिमेंट रीड कराना, देन लूप प्लस स्कैनर फंक्शन कितनी बार रिपीट होगा, 3 टाइम्स। सेम एज अगर आपके पास 100 एरे और 100 एरे के लिए डेटा कीवर्ड से रीड कराना, देन इसके इसमें सेम लॉजिक्स कितनी बार रिपीट होंगे, 100 टाइम्स। देन इट इज नॉट अ गुड आइडिया रिपीटिंग कोड और सेम लॉजिक्स अगेन एंड अगेन। देन इसका सॉल्यूशन क्या है, जस्ट क्रिएटिंग और पुट दिस लॉजिक इनसाइड फंक्शंस। इसके इसमें एरे को रीड करने के लिए जस्ट मैं सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस के फॉर्म में लॉजिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। लॉजिक्स इसके इसमें किस टाइप से राइट करेंगे, जस्ट इस फंक्शन से कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कराना है, वैल्यू रिटर्न नहीं कराना, इसलिए रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे, वॉइड। प्लस मैं इसके इसमें जस्ट फंक्शन नेम यूज कर रहा हूँ, फंक्शन नेम एज रीड, क्लियर। इस फंक्शन के अंदर एवरी टाइम आपको सप्लाई क्या करना है, उस एरे का एड्रेस पास करोगे जिस एरे के लिए डेटा रीड करना है, क्लियर। देन एरे का टाइप क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर टाइप के एरे के एलिमेंट को स्टोर करने के लिए जस्ट प्रोवाइड क्या करेंगे, पॉइंटर डिक्लेरेशंस। किस टाइप का पॉइंटर, इसके इसमें इंटीजर पॉइंटर। प्लस जब इस फंक्शन को कॉल कराओगे, देन इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा, करंटली आपने जो भी एरे पास किया उस एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, इसलिए सेकंड आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, साइज ऑफ गिवन एरे। तो इसलिए सेकंड साइज किस फॉर्म में होगा, इंटीजर्स के फॉर्म में। सेकंड आर्गुमेंट टाइप क्या आएगा, इंटीजर टाइप एन, क्लियर। देन नेक्स्ट वन, इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ, समथिंग इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स। जस्ट इसके इसमें जो प्रिंट एफ मैसेज है, प्रिंट एफ के रिस्पेक्ट में जस्ट मैं डिस्प्ले क्या करा रहा हूँ, एंटर एन एलिमेंट्स, प्रिंट एफ एंटर परसेंट डी आइटम्स और एलिमेंट्स स्लैश एन, जस्ट डिस्प्ले क्या करा लेंगे, परसेंट डी के प्लेस पर वैल्यू ऑफ एन। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट वन लूप इटरेट करा हुए, लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, मीन इसके इसमें ऐसा तो कोई श्योरिटी है नहीं कि लूप में से एरे का लिमिट क्या है, एरे का लिमिट किस फॉर्म में स्टोर है, एन के फॉर्म में। तो कंडीशन में प्रोवाइड क्या करेंगे, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। देन डेटा को रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे, जस्ट स्कैन एफ फंक्शन,
मीन्स इस पर्टिकुलर फंक्शन का वर्किंग क्या, रीडिंग एलिमेंट्स फॉर गिवन एरे, देन सप्लाई क्या करो एड्रेस ऑफ पी ऑफ आई, क्लियर। देन अगर आपके पास सेम लॉजिक फंक्शन के फॉर्म में, मीन्स जो लॉजिक्स प्रीवियस केस में रिपीट हो रहे थे, सेम लॉजिक्स मैंने पुट का किए इनसाइड और इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, देन अब आपके पास इसका बेस्ट केस क्या रहेगा, इस बार बार सेम लॉजिक्स रिपीट ना करके, सपोज दैट अगर आपको जस्ट फी एरे के लिए डेटा रीड कराना, देन फी एरे के केस में सेम लॉजिक्स राइट ना करके जस्ट सेम लॉजिक्स अवेलेबल किस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन नेम कॉल्ड एज रीड, जस्ट इस प्लेस पर रिक्वायर्ड प्लेस पर कॉल क्या कर लेंगे, फंक्शन नेम है रीड, प्लस डेटा किसके लिए रीड कराना, फी के लिए, तो इसके अंदर आर्गुमेंट में क्या पास करोगे, एड्रेस ऑफ फी एरे। नेक्स्ट वन इसका साइज क्या है 10, तो सेकंड आर्गुमेंट में पास क्या करेंगे 10, तो इस केस में जैसे ही इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कॉलिंग स्टार्ट हुआ, कंट्रोल का सेंड हुआ हेडर ऑफ रीड फंक्शन, रीड फंक्शन के रिस्पेक्ट में सिंपली पॉइंटर क्रिएट होगा पी, इस पॉइंटर के थ्रू फी एरे के एलिमेंट कंप्लीटली एक्सेस करना पॉसिबल बाय यूजिंग दिस लॉजिक्स, क्लियर। देन इस केस में जैसे इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, इस पर्टिकुलर केस में फी एरे कंप्लीटली इनिशियलाइज हो चुका हो, प्लस एन के लिए वैल्यू क्या पास हुआ करंटली 10, तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ फी एरे के रिस्पेक्ट में 10 टाइम्स। नेक्स्ट वन सिमिलरली अगर आपको एम्प्लॉइज रिलेटेड सैलरी इन्फॉर्मेशन रीड कराना है, तो इस केस में अगेन आपको लॉजिक्स राइट करने की जरूरत नहीं, जस्ट कॉल क्या कर लेंगे, फंक्शन नेम एज रीड, देन इस केस में आर्गुमेंट में पास क्या करो, डेटा किसके लिए रीड कराना है, एरे नेम एज सैलरी, प्लस इस एरे का साइज क्या है 100, इसलिए सप्लाई क्या करोगे 100। तो नेक्स्ट सेम ऑपरेशन अगेन फिर से फंक्शन किसके लिए कॉल होगा, सैलरी एरे के रिस्पेक्ट में, तो नेक्स्ट टाइम सेम पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस किसका हुआ, सैलरी एरे का, इसलिए सारे के सारे लॉजिक किसके लिए अप्लाई होंगे, सैलरी एरे के लिए, प्लस साइज के पास क्या 100, तो इसके इसमें कंडीशन क्या है, एन का वैल्यू क्या है 100, इसलिए लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 100 टाइम्स, क्लियर। सेम एज अगर आपको कस्टमर से रिलेटेड बैलेंस इन्फॉर्मेशन रीड कराना, देन अगेन फिर से कॉल क्या कर सकते हो, सिंपली फंक्शन नेम एज रीड, प्लस इसके इसमें आर्गुमेंट पास क्या करोगे, एड्रेस ऑफ बैलेंस एरे। नेक्स्ट इसका साइज क्या है 50, तो साइज में क्या पास करते हैं 50, अगेन सेम लॉजिक एग्जैक्टली वर्क किसके लिए कर रहे हैं, बैलेंस एरे के लिए, मीन्स इन थ्री डिफरेंट डिफरेंट एरे के रिस्पेक्ट में। अब ये लॉजिक्स आपने थ्री टाइम रिपीट्स किए, ओनली वन टाइम राइट हुए हैं, ओनली वन टाइम, दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन एंड सप्लाइंग एरे एज अ आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली अगर इन एलिमेंट से एलिमेंट रीड हो चुका है, रीड होने के बाद अगर आपको एलिमेंट डिस्प्ले कराना, तो डिस्प्ले कराने के रिस्पेक्ट में अगेन सेम लॉजिक कितनी बार रिपीट होंगे, थ्री टाइम्स, ओनली डिफरेंस क्या जाएगा, स्कैनएप के प्लेसेस पर कॉल क्या कराओगे, प्रिंट एफ फंक्शन, तो अगेन सेम लॉजिक थ्री टाइम रिपीट होने के चांसेस, इसलिए एक और सेपरेट में फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ वॉइड डिस्प्ले। जब भी एरे के एलिमेंट आपको डिस्प्ले कराना, तो उसके इसमें जस्ट कॉल क्या कर लेंगे, डिस्प्ले फंक्शन, प्लस फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या करोगे, एरे का एड्रेस, और सेकंड आर्गुमेंट में पास क्या हो, ऑलवेज एरे साइज। नेक्स्ट वन इसके इसमें जस्ट अगेन फिर से लूप को एग्जीक्यूट कराएंगे, लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना होगा आपको, फ्रॉम जीरो टू एन, आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। प्रीवियस केस में जब सेम लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा था ना, इस केस में चांस किसको मिल रहा था, स्कैनएफ, इसलिए परफॉर्म क्या रहा था, रीड ऑपरेशन। इस केस में स्कैनएफ के प्लेस आपका पर्पज क्या, एलिमेंट को डिस्प्ले कराना, डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करें, इस केस में प्रिंट एफ, देन परसेंट डी, सिंपली डिस्प्ले क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ पी ऑफ आई, क्लियर। देन ए पॉइंटर वैल्यू पी किस एरे को रिप्रेजेंट करेगा, डिपेंड करेगा आपने एड्रेस किस एरे का पास किया। सपोज दैट अगर आपको फी एरे का डेटा डिस्प्ले कराना, तो इस केस में जस्ट कॉल क्या करोगे, डिस्प्ले फंक्शन, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जस्ट एड्रेस किसका पास करेंगे, रिक्वायर्ड एरे, देन साइज, साइज क्या 10। तो जैसे इस केस में डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, पी के अंदर एड्रेस किसका असाइन हो रहा है, फी एरे का, तो इससे पर्टिकुलर पॉइंटर वैल्यू के हेल्प से एलिमेंट किस एरे के डिस्प्ले होंगे, फी एरे, क्लियर। साइज क्या 10, इसलिए एन का वैल्यू क्या 10, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, एग्जैक्टली 10 टाइम्स। सेम एज अगर आपको सैलरी एरे का डेटा डिस्प्ले कराना है, तो कॉल क्या कर लोगे, डिस्प्ले, सप्लाई क्या करेंगे, एरे नेम एज सैलरी, साइज क्या इसका 100। सिमिलरली फोर सेम है, अगर आपको बैलेंस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है, तो इसका इंफॉर्मेशन किसके पास है, सॉरी जस्ट बैलेंस एरे, डिस्प्ले में नेक्स्ट टाइम पास क्या करोगे, एज अ बैलेंस कॉमा साइज एज 50।
देन इस केस में जस्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मीन्स अगर आप इस केस में फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, सेम लॉजिक से एन टाइम्स रिपीट होने के चांसेस हैं। एन टाइम मीन्स अगर आपने एन एरे क्रिएट किए हैं, लॉजिक कितनी बार रीराइट करोगे, एन टाइम्स। ये आपके पास गुड आइडिया क्या है, क्रिएटिंग और परफॉर्मिंग फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग फंक्शंस। क्लियर, इस फंक्शंस के थ्रू लॉजिक्स को जस्ट रीयूज करना पॉसिबल है, आपको लॉजिक्स रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इट्स सिंपली प्रोवाइड्स रीयूजेबल कोड। प्लस इसके साथ आप देख सकते हो आपका कोड रीडेबल के साथ साथ कैसा रीडेबल, ऑल्सो रीडेबल। प्रीवियस केस में जब सेम लॉजिक मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे थे, देन उस केस में कोडिंग कैसा था, कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स, लेकिन इस केस में जस्ट कोडिंग कैसा है, जस्ट रीडेबल। मीन्स केवल आपको फंक्शन नेम से ही पता चला इससे पर्टिकुलर किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। क्लियर, बिकॉज फंक्शन नेम इटसेल्फ कैसा, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेम्स। एंड अदर इसका एडवांटेज क्या है, प्रीवियस केसेस में अगर आप सपोज दैट रीड लॉजिक्स में मॉडिफाई करना चाहते हो, देन रीड लॉजिक्स अगर 10 टाइम रिपीट हो गए, देन चेंजेस कितने प्लेसेस पर करो, 10 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। प्लस आपको कंप्लीट लॉजिक्स एनालाइज करने की जरूरत है इस केस में, अगर आपको रीड लॉजिक्स में कोई भी चेंजेस करना है, देन इस केस में डायरेक्टली आप कॉन्सल्टेट किसको करोगे, ओनली रीड फंक्शन। रिमेनिंग लॉजिक्स आपको एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। देन रीड लॉजिक, रीड फंक्शन के अंदर लॉजिक ओनली वन टाइम राइट हुए, तो चेंजेस भी कितनी बार रिक्वायर्ड हो, ओनली सिंगल प्लेस ओनली। जबकि अगर आप डायरेक्टली लॉजिक पुट करें, देन चेंजेस कितने प्लेसेस पर रिक्वायर्ड हुए थे, एन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन विद एरे। क्लियर,